आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिले भर के पेंशनर्स के द्वारा बृहस्पतिवार को धरना प्रदर्शन किया गया। वास्तव में उम्र के इस पड़ाव में जब पेंशनर्स को सबसे ज़्यादा जरूरत आर्थिक होती है, उस समय अगर हुक्मरान उनका साथ ना दें तो किस तरीके का उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, ये समझा जा सकता है। जिले भर के पेंशनर्स ने के द्वारा बृहस्पतिवार को अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर सरकार की शोषण चक्की जो चल रही है उसको रोकने के लिए धरना और प्रदर्शन किया गया। प्रदेश सरकार ने छठवें वेतनमान के 32 एरियर्स के भुगतान का न्यायालय के आदेश के बावजूद सरकार के द्वारा भुगतान नहीं किया गया। सातवें वेतन आयोग के 27 माह के एरियर्स के भुगतान की सरकार की कोई ऐसी विशेष मंशा नहीं दिख रही है। महंगाई राहत नियत समय पर ना देकर बाद में स्वीकार करते हुए पेंशनर्स के मुंह से निवाला छीनने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस तरीके के आरोप पेंशनर संघ ने लगाए हैं। पेंशनर संघ का कहना है कि पेंशनर्स कल्याण के लिए निर्मित प्रावधान निर्देश, पेंशनर स्वास्थ्य रक्षा के लिए निशुल्क औषधि चिकित्सा का प्रावधान किया जाए, इस तरीके के निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश तो हैं पर उनका आवंटन कभी पर्याप्त उपलब्ध नहीं कराकर अपने ही प्रावधान और निर्देशों को मात्र दिखावा सिद्ध करती है सरकार। जो भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, पेंशनर्स के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं। पेंशनर्स के द्वारा कहा गया कि आयुष्मान भारत, निरामयम या अन्य कोई ऐसी योजना भी प्रदेश सरकार के द्वारा पेंशनर्स के लिए आरंभ नहीं की गई है। माननीय न्यायालय के आदेश निर्देश भी पूरी तरह व्यर्थ ही साबित हो रहे हैं, ये आरोप भी पेंशनर्स का है। न्यायालयों ने सिद्ध करते हुए कहा है कि पेंशन कर्मचारियों की सेवाओं का अर्जित प्रतिफल है, यह कोई अनुकंपा या दया नहीं है और आर्थिक स्थिति का रोना रोकर ना तो सरकार पेंशन देनदारियों को रोक सकती है ना ही टाल सकती है। आंदोलन व्यवस्था अनिवार्यता और न्याय संगत भी है। वृद्ध, अशक्त और रोगी पेंशनर्स को सदैव शोषण की चक्की में पिसती रहकर उन्हें असहनीय मानसिक त्रासदी में प्रदेश सरकार ने झोंक दिया है, इस तरीके के आरोप भी लगाए गए हैं। पेंशनर्स का सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार का हनन भी करते हुए पेंशनर्स को गिड़गड़ाने और मांगने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे हालात में आंदोलन न केवल विवशता है वरन अनिवार्यता भी तथा न्याय संगत भी, क्योंकि इस अन्याय का प्रतिकार ना करना भी एक बड़ा अपराध होगा। ये देख सकते हैं पेंशनर्स इस उम्र में जब उन्हें घर में आराम की ज़रूरत है, परिवार के साथ बैठने की ज़रूरत है, आप देखिए धूप में दप्तियां लेकर पेंशनर्स यहां पर आपको गुजरते हुए दिखाई दे रहे होंगे। पेंशनर्स का आंदोलन, इस आंदोलन को विधायकों और सांसदों को भी समर्थन देना चाहिए, उन्हें सरकार से बात करनी चाहिए चाहे वे किसी भी दल के हों। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। आई हम बताते हैं पेंशनर्स के द्वारा क्या कहा गया इस दौरान। सम्मानी ब्रदर, आज पंडाल के नीचे बैठकर अपनी मांगों के लिए रोना रो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश शासन में है, लेकिन वो कुछ लोगों की कोई बातों को नहीं सुन रहे हैं, ना ही कोई ध्यान दे रहे हैं। निश्चित है कि अगर कहीं कुछ लोगों का लोग नाराज हो जाएंगे, कुपित हो जाएंगे, तो निश्चित है कि इनको एक बार दिग्विजय सिंह जी किसी प्रकार सवाल करने थे, उनको कर्मचारियों ने दिखा दिया कि हम क्या है। मेरा निवेदन है शासन से कि वो चेते और हम बुजुर्गों की जो मांगे हैं उसको पूरा कराएं। हम बुजुर्गों को बार बार दवाइयों की जरूरत पड़ती है, हमारे लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो उसका हमें अलाउंस किया जा रहा है, ना ही किसी प्रकार का बीमा किया जा रहा है। तो आपने सुना पेंशनर्स एसोसिएशन के नेताओं के द्वारा क्या कहा गया।
इसके अलावा पेंशनर्स की मांग थी पेंशन बहाली, सरकार की दया नहीं, छीना गया हक वापस करें। बिंदु नंबर 3, न्यायालय के जो आदेश हैं उससे स्पष्ट है कि पेंशन सेवाओं का अर्जित प्रतिफल है और इसे हटाकर अन्य योजना से कर्मचारियों को जीने की राह दूभर कर उसे तिल तिल मरने के लिए छोड़ देना अमानवीय नहीं तो और क्या है। सेवा का व्रत लेकर राजनीति में प्रवेश और अनेकानेक सुख सुविधाओं से सुसज्जित होकर आकर्षक वेतन भत्ते और 5 सालाना कार्य के एवज में जीवन भर पेंशन, दूसरी ओर वृद्ध अशक्त होने तक संपूर्ण ऊर्जा खपा कर सेवानिवृत्ति पाने पर इस सेवा के बदले पेंशन खोकर अभाव युक्त जीवन का उपहार सरकार दे, ये कैसी त्रासदी है। पेंशनर्स का आरोप है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग मनवाने के लिए आवश्यकता आंदोलन की आखिर क्यों है। जनप्रतिनिधियों, सरकार की संवेदनशीलता कहां खो गई। पेंशनर्स का कहना है कि सरकार आंदोलनकारियों के लिए कर्मचारियों को विवश न करते हुए तत्काल उनके वाजिब हक अर्थात पुरानी पेंशन की बहाली के आदेश जारी करे। इसके अलावा पेंशनर्स का कहना है कि जो सरकार वृद्ध अशक्त रोगी पेंशनर्स की दुर्दशा की आग में झोंक दे, आगामी विधानसभा आम चुनाव में उसके विरुद्ध मतदान न केवल पेंशनर्स बल्कि उनके परिवार, नातेदार, इष्ट मित्र और परिचित भी करेंगे। पेंशनर्स का ऐसा निर्णय भी प्रतिकार के लिए सर्वथा उचित है। पेंशनर समाज द्वारा विवश होकर इस तरीके का निर्णय लेना पड़ रहा है। पेंशनर के द्वारा 13 तारीख को जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन रैली आम सभा का आयोजन किया गया। 7 नवंबर को सोमवार के दिन संभागीय मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन रैली आयोजित कर कमिश्नर के माध्यम से शासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कि पेंशनर्स को उम्र के इस पड़ाव में अगर उन्हें निःशुल्क दवाएँ ना मिल पाएँ तो ये बहुत इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, ये भी कभी सेवानिवृत्त होंगे और इन्हें भी इस पेंशन और इन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी, इस तरीके का भी कहना पेंशनर्स का है। पेंशनर्स का कहना है कि इस लिहाज से चाहे वे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हों, चाहे सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय के हों या विकास खंड चिकित्सा अधिकारी BMO हों, उन्हें भी शासन से बात करके पेंशनर्स के लिए दवाओं का पर्याप्त आवंटन मुहैया कराने के प्रयास करने चाहिए। देख सकते हैं आप पेंशनर्स किस उम्र में धूप तपती धूप में दपती उठाकर आंदोलन करने पर विवश नजर आ रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये वाकई बहुत दुखद ही माना जाएगा कि उम्र के इस पड़ाव में पेंशनर्स को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सिवनी के दोनों सांसद, चारों विधायकों को चाहिए कि वे पेंशनर्स की समस्याओं को हल करने आगे आए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।